छावनी फुटबॉल मैदान में शिवम बाइक्स की ओर से 3 दिवसीय यामहा एक्सपो मेला के आयोजन का उद्घाटन छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर संजीव सोनी के द्वारा किया गया। एक्सपो मेला में उपस्थित लोगों को यामहा बाइक्स और स्कूटी की खासियत के बारे में बताया गया। इस अवसर पर शिवम बाइक्स के संचालक विजय मेवाड़ ने बताया कि यामहा बाइक्स का माइलेज अन्य कंपनियों के मुकाबले बहुत अच्छी है। इसकी ग्रिपिंग काफी मजबूत है। गुणवत्ता और लुक के मामले में भी यामहा बाइक्स का कोई सानी नहीं है। विजय मेवाड़ ने बताया कि 3 दिवसीय मेले में जिन महिलाओं को स्कूटी चलाना नहीं आता तो उनको जापान से ट्रेनिंग लेकर आए एक्सपर्ट बिना शारीरिक स्पर्श के स्कूटी चलाना सिखाएंगे। यही इस मेले की सबसे खास विशेषता है कि महिलाओं को बिना टच किए हुए उन्हें स्कूटी को बेस्ट ट्रेनर के द्वारा सिखाया जाएगा। इस एक्सपो के तहत कई रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को झूमने पर विवश कर दिया गया। इस अवसर पर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष सरदार अनमोल सिंह, गोविंद मेवाड़, प्रदीप गुप्ता, भाजपा नेता छोटन सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। यामा एफएसपी, यामा फैमिली सेफ्टी पूरा। यामा का एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जो न केवल हम ग्राहकों को, यामा के फैंस को जोड़ते डोर टू डोर जा करके। सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की क्या है कि हम वेमेंस एम्पावरमेंट का एक मंत्र लेकर आप उधर देख रहे हो लेडीज विंग को, वो वह सीख रही है ड्राइविंग। इस ड्राइविंग की खास बात क्या है, जो इंस्ट्रक्टर है सिखाने वाले हैं वो जापान से ट्रेनिंग लेके आए कि महिलाओं को बिना टच किए हुए, बिना फिजिकली टचिंग के आप कैसे गाड़ी सीख सकते हैं, पूरी सेफ्टी तरीके से एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस YFSP। उसके अलावा हमारा एक जो विजन होता है कि हमारी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, दुनिया की जानी मानी टेक्नोलॉजी, जो जापान विश्व के सरताज के यहाँ भी अपनी चीज़ों को टांग लेता है दीवार में, बस नहीं मैं संकेत दे रहा हूँ। वही यहाँ पर यामा बाइक का प्रदर्शनी लगा हुआ है और हमारे रामगढ़ की जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि यामा इतना अच्छा ब्रांड जिस पर आम जनता विश्वास करती है इसकी गुणवत्ता और मजबूती के लिए, वह अब हमारे शहर में आ गया है और हम नौजवान नए नए जो डिजाइन है वो हम नौजवानों को काफ़ी पसंद आएगा, इसलिए हम पूरी यामा टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है